Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and also paying attention towards your studies. So now what we'll start? Yes, today we are going to start chapter number 4, Mangoes Around the Ear. Now here you can see three friends are just opening their lunch box and let's start what they are saying. Wow, Aman's lunch box has sweet puris. Aman ke lunch box mein kya hai? Meethi puri. Then Hi, today Neetu has brought potato sabzi. Aaj Neetu kya leke aayi hai? Aalu ki sabzi. I have got bhindi. Ab kya kaha? Main kya leke aayi hu? Preeti bol rahi hai ki main to bhindi leke aayi hu. Now let's move forward. Oh, Neetu, I think your potato sabzi is spoiled. Ab Aman bol raha hai ki Neetu, mujhe lag raha hai tumhari aalu ki sabzi mein se smell aa rahi hai. Wo thodi kharab ho gayi hai. Now let's see what Preeti is saying. Don't eat that. You may fall sick. Here you can take some bhindi. Use mat khana. Aap bimar ho sakte ho. Aap mere tiffin mein se kya le lo? Bhindi le lo. Now let's move forward. Discuss. How did Aman know that the potato sabji has got spoiled? Aman ko kaise pata chala hoga? Jab khana kharab ho jata hai to beta usme se smell. Khushbu ki jagah badbu aane lagti hai. तो बैड स्मेल के कारण पता होगा. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? क्या कभी देखा है आपने ऐसा खाना? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? और कैसे पता चला कि वो खाना खराब हो गया है? तो येस, इट्स ऑब्वियस बाय स्मेलिंग इट. उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि खाना जो है इट इज़ स्पॉइल्ड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने नीतू से कहा पोटैटो की सब्जी नहीं खानी है. वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट? अब ख़राब सब्जी खाने से क्या हो जाएगा? येस, ऑब्वियसली वी वुड हैव फॉलन इल. हम बीमार हो सकते हैं. नाउ टर्न द पेज. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट फर्स्ट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज. अब 2-3 दिन में क्या बेटा खराब हो सकता है? तो देखो, मिल्क, दाल या ब्रेड, ये 2-3 दिन में ख़राब हो जाएंगे. सेकंड, कैन बी कैप्ट फॉर अ वीक. एक हफ्ते के लिए कौन सा खाना खराब होगा? तो पोटैटो, ओनियन, टोमेटो. एक हफ्ते तक रखे रहेंगे, उसके बाद ख़राब हो जाएंगे. वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ. एक महीने तक कौन सा ऐसा खाना है जो ख़राब नहीं होगा? देन इट इज़ घी, पिकल एंड फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा. आटा जो है बेटा 1 मंथ तक रखें, इट वॉन्ट गेट स्पॉइल्ड. वो स्पॉइल नहीं होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. बीजी रिटर्न द ब्रेड. अब बीजी ने ब्रेड वापस कर दी. देन अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. अमन की बीजी यानी नानी या दादी को बीजी बोलते हैं. ओके, बीजी कहाँ गए? ब्रेड लेने गए. द शॉप वॉज क्राउडेड. क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़. कभी हम जाते हैं ना मार्केट में, दुकान में, तो बहुत रश होता है. इसी तरह से दुकान में बहुत रश था. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव टू बीजी. अब शॉपकीपर ने बीजी को एक पैकेट ब्रेड का दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमिजिएटली. उसने पैकेट देखते ही तुरंत का तुरंत वापस भेज दिया. अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ब्रेड पैकेट को देख के बीजी ने क्यों रिटर्न किया होगा? क्योंकि ब्रेड पैकेट जो होता है बेटा, वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. तो ब्रेड अगर ख़राब हो, उसमें फंगस लग गई हो, तो उसका कलर चेंज हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? अब खाना ख़राब कैसे होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. नाउ इंस्टेड ऑफ क्लास, एज यू आर एट योर होम, द होल फैमिली मेम्बर्स कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. ब्रेड का पीस या रोटी लो. स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स ऑन वाटर ऑन इट. उसके ऊपर पानी के 2-3 बूंदें गिरा दो. एंड पुट इट इन अ बॉक्स. उसे एक बॉक्स में रख दो. क्लोज द बॉक्स. अब बॉक्स को बंद कर दो. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. अब रोज उसे थोड़ा थोड़ा खोल के देखो कि कुछ चेंजेस हो रहा है. येस, डेफिनेटली चेंज होगा. कलर चेंज हो जाएगा, फंगस आ जाएगा उसमें, उसमें स्मेल आने लगेगी. सो दीज ऑल थिंग्स विल राइट इन दिस टेबल. एंड एज द स्पेस इज लेस, सो आई हैव प्रिपेयर्ड द टेबल
फॉर यू टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. इसमें जगह कम है तो इन नोटबुक इसलिए लिखा है कि आप ये अपनी, ये प्रिपेयर किया है मैंने, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. नाउ टर्न द पेज, लेट्स सी व्हाट्स गिवन हियर. समर ट्रीट, मिमड़ी टांड्रा. नाउ मिमड़ी टांड्रा मीन्स व्हाट? आम पापड़. आम पापड़ को बोलते हैं मिमड़ी टांड्रा. चित्तूबाई एंड चिन्ना बाबू लिव इन एत्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. ये लोग एत्रियापुरम टाउन आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे रहते हैं. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिल्ली पाउडर. अब गर्मियों की छुट्टियों में दोनों भाई आम के बाग में खेलते हैं और उन्हें नमक डाल के कच्चे आम जो होते हैं वो और चिल्ली पाउडर ऊपर उनके ऊपर छिड़क के खाने में बहुत मज़ा आता है. घर पर उनकी मम्मी जो हैं मैंगोस की डिफरेंट डिफरेंट चटनीज और अचार बनाते हैं. अब उन्हें क्या बोलते हैं? पिकल्स. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. अब वो अचार इतना टाइम चलता है कि आने वाले साल जब तक मैंगो का नहीं आ जाता, पूरा ईयर इतना चलता है. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा, वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम मिमड़ी टांड्रा दैट इज आम पापड़ फ्रॉम देम. अब चिन्ना बाबू ने अपनी अम्मा यानी मम्मी से कहा कि चलो थोड़ा आम पापड़ बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ. पापा ने क्या कहा? आम पापड़ बनाना इजी नहीं है, उसमें 4 वीक्स लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क यानी मेहनत है. हाँ, एक शर्त पे बना सकते हैं, अगर आप दोनों हमें हेल्प करो आने वाले 4 वीक्स में. वी कैन टुगेदर मेक द मिमड़ी टांड्रा. हम मिलके मिमड़ी टांड्रा यानी आम पापड़ बना लेते हैं. दोनों के दोनों ब्रदर्स क्विकली मान गए. एग्री करना मीन्स मान जाना. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. दोनों बच्चे कहाँ गए? मार्केट यानी बाजार गए. दे brought a mat woven from the leaves of palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. Means आम पापड़ बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सामान वो जाके लेके आए. कौन सा सामान? String made of coconut, गुड़, jaggery means गुड़, sugar, palm tree की पत्ते, वो सब. Now here you can see in this pick also how both the brothers were enjoying their whole summer season. कहाँ पे? Yes, mango के बाग में जहाँ पे बहुत सारे mango trees हैं. Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. अब घर के बाहर उन्होंने जगह ढूंढी और पूरा अरेंजमेंट किया. In this pic it would be clear. Next day पे क्या हुआ? अप्पा चूज मोस्ट राइप मैंगोज. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इन टू अ लार्ज पॉट. हियर एज यू कैन सी दिस. देन वॉट दे डिड? देन दे स्टेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. अब अच्छे से कपड़े में उसको जैसे छन्नी कर लिया. देन चित्ती बाबू क्रश द गुड़ दैट इज जागड़ी टिल देयर वर नो लम्स. उसको गुड़ को अच्छे से मैश करिए जब तक वो पूरा पीस नहीं गया हो. फिर क्या किया? गुड़ और शुगर इक्वल अमाउंट में ऐड करते गए. टर्न द पेज. चिन्नप्पा मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून. अब ये सब कुछ मिक्स होता रहा एक बड़े स्पून से. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इन टू अ थिन लेयर ओवर द मैट. द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन सारी टू अवॉइड एनी डस्ट. अब उन सबको उस मैट के ऊपर अच्छे से बिछा के शाम को ढक दिया गया ताकि मिट्टी ना पड़े. अगले दिन क्या देखा? कुछ जो है दे मैंगो पल्प दे एडिड. फिर से उन्होंने क्या ऐड किया? शुगर और गुड़ ऐड किया और फिर से दूसरी लेयर बिछाई. यही काम दोनों भाइयों ने मिलके किया और क्या हुआ? बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स. बहुत लेयर्स
उन्होंने यही मैंगो पल्प की बिछाई और ये पूरा काम वो करते रहे 4 वीक्स तक और उम्मीद करते रहे कि बारिश ना हो। 4th वीक पे क्या हुआ, एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, वो गोल्डन केक की तरह लगने लगी। उसी टाइम अम्मा ने कहा मेमरी टांड्रा इज रेडी, चलो अब हम क्या करेंगे, कल इसके पीसेस काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मेमरी टांड्रा वॉज कट इन टू स्मॉल पीसेज, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया गया। आम पापड़ को वो थोड़ी मोटी हो गई, हो जाता है बेटा, आम पापड़ आप सबने खाया ही होगा, एज अ प्रसाद भी काफ़ी मंदिरों मंदिर में मिलता है। दोनों ब्रदर्स ने टेस्ट किया, वाओ इट इज़ सो यमी। और क्या किया, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, अब दोनों भाइयों ने हंसते हुए कहा कि हमने भी तो हेल्प की है आम पापड़ बनाने में। वाओ व्हाट अ नाइस रेसिपी, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम, आप भी ट्राई कर सकते हो। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड एंड द आंसर्स दैट यू आर एबल टू सी रिटन इन द टेक्स्ट बुक, यू विल राइट इट डाउन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड एज इट इज रिटन इन नोटबुक। इन नोटबुक मीन्स स्पेस कम है, आई विल सेंड यू द पिक सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। अदर आंसर्स यू विल राइट इट डाउन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। योर होमवर्क इज टू रिवाइज द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। थैंक यू। Have a nice day.